वेलकम बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं नितिन श्रीवास्तव बहुत स्वागत करता हूं। 8 बज चुके हैं और आज एक नए पेपर के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूं। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको एक पेपर दिखाया था जुलाई 2022 का, जिसमें क्वेश्चंस आए हुए थे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करना था और वो आप निश्चित तौर पे कर लिए होंगे। आप सबको एक जानकारी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर शुरू करूं उसके पहले मुझे इच्छा है कि मैं वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूं। ये पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन उसके पहले आपके लिए नाइलिट ने एक बड़ा ही शानदार अवसर कह लीजिए, मौका कह लीजिए, भेजा है। आप सब से मेरा निवेदन है बच्चों, मुझे मालूम है कि आपको ये जानकारी अवश्य हो गई होगी, बट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो जानकारी आपको दूं जिससे कुछ लाभ आपको हो। पेपर तो सॉल्व कराते रहेंगे, ये पूरा वीक चल रहा है। बच्चों, एक बड़ा ही जबरदस्त चीज नाइलिट ने दिया है आपके लिए, वो सॉफ्टवेयर जिसपे आपको परीक्षा देनी है उसका एक लिंक डेमो सॉफ्टवेयर है। आप उसको जाकर वहां पर अपनी परीक्षा को डेमो चेक कर सकते हैं और चेक करके आप ये देख सकते हैं कि क्या सेटअप होता है, क्या एनवायरमेंट होता है, कैसा वो सॉफ्टवेयर होता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे, तरीका क्या होगा, सॉफ्टवेयर कैसा होगा और काम कैसे करता है। तो चलिए एक बार पहले मैं आपको इसके लिए आपको नाइलिट की ऑफिशियल साइट जो है student.nilit.gov.in पर जाना है। जैसे आप बच्चों यहां पर आएंगे, ये देखिए साइट आपके सामने नजर आ रही है, इस पर आपको पहला लिंक नजर आएगा, सॉफ्टवेयर हैंड्स फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन OA लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 एग्जामिनेशन। ये एकदम लेटेस्ट लिंक है, आज से ही बच्चों एक्टिव हुई है। आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर हैंड्स, कौन कौन से पेपर्स हैं जिनकी परीक्षाएं होंगी, वो लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें 4 पेपर हैं। ओ लेवल की बात करें, IT वेब डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चारों पेपर्स की लिस्ट बच्चों आपके सामने उपस्थित है। आपको प्रोग्रामिंग एंड पाइथन पे जाना है तो इस पे जाएंगे जब आप, वो आपसे ईमेल आईडी बच्चों मांग रहा है, तो ईमेल आईडी कोई भी आप जो हो, आपकी रजिस्टर हो या आपके पास बनी हुई हो, मैं चाहिए, ऑलरेडी रजिस्टर मुझे दिखा रहा है, जब तक प्रॉपर वैलिड ईमेल आईडी नहीं दिखेगी। तब तक ये अलाउड नहीं करेगा। देखिए मैंने एक ईमेल आईडी दी है बच्चों, ईमेल आईडी और नेम एक जस्ट एक डेमो है, रजिस्टर पे क्लिक किया। देखिए हमारे सॉफ्टवेयर ने क्या बोला, वी बॉक्स कॉन्ग्रेचुलेशन, देखिए नाइलिट का ये, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट। और आप देखिए आपके लिए नाइलिट ने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर बच्चों ओपन कर दिया। हाय ज्ञानराज, प्लीज रीड द ऑल द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। और बच्चों वेट टाइम
और बच्चों यहां पर देखो एक चेक बॉक्स है, ये देखिए वेटर वेट करने के लिए आपसे कर रहा है। टाइमर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 9 मिनट सेकंड में चल रहा है, 7, 6। जैसे ये कंप्लीट होगा ना, ये आप देखेंगे यहां येलो हो जाएगा। ये देखो प्रोसीड नाउ बच्चों, अब क्या है, एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको प्रोसीड नाउ पे बच्चों क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर आपको आगे बढ़ा रहा है। और देखिए आपका डेमो टेस्ट आ गया। दिस इज ए प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनी लैंग्वेज फ्रॉम सेलेक्ट लैंग्वेज। तो भैया हमें किस लैंग्वेज में इसको करना है, इसको हमको पाइथन में करना है, और कोई लैंग्वेज तो यहां पे उपलब्ध नहीं है। अब प्रश्न यहां पर आ रहा है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स ए सेंटेंस एज इनपुट। ध्यान दीजिएगा, ये आप सब अपने से करेंगे, ये आपके लिए है, ये तो मैं आपके बिहाफ पर आपको बताने के लिए कि भैया इस सॉफ्टवेयर को देख लो, सीख लो और कर लो। हम सिर्फ, मेरा मकसद आपको बताने का ये है, इंफॉर्मेशन देना है, जानकारी देना है। तो बच्चों क्या करना है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक सेंटेंस एज इनपुट, और पता लगाना है कि उसमें कितने क्या है, वर्ड्स हैं, कितने कैपिटल लेटर हैं, कितने स्मॉल लेटर हैं, और बच्चों क्या है, कितने स्पेशल सिंबल्स हैं। ये इतनी चीजें आपको पाइथन प्रोग्राम में बच्चों बनानी है, या कहें तो डेवलप करनी है। आप क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा, ये एडिटर दिया है, आप इस देखिए यहां पर आपका टाइमर भी बच्चों चलेगा, टोटल टाइम लेफ्ट दिखा रहा है 48 मिनट 31 सेकंड। टाइम आपका बहुत तेजी से क्या होगा, फॉरवर्ड करेगा, बढ़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहां पर, ये दिख रहे हैं ना, कोड लाइनिंग आ रही है 1 2 3 4 5, आपको यहां पर लिखना है। और जब आप ट्राई इस पे क्लिक करेंगे और कंपाइल करेंगे, तो इसका आउटपुट आपको नीचे बच्चों क्या होगा, शो करेगा, या बोले तो नजर आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये क्या है, बनाया है, आप विद्यार्थियों की सेवा में ये बनाया गया चीज है। बस आपको बच्चों इसको यूज करना है और प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको बच्चों समझ में आ रही है। किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई शंका हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पूछेंगे तो कुछ जानकारी बेटर आपके सामने बच्चों निकल के आएगी। जल्दी बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह के प्रश्नों को मैं पेपर में कराऊंगा, और जब आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाए तो आप नेक्स्ट पे जरूर जाइए। नेक्स्ट पे जाएंगे, कह रहा है राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स ट्रू लिस्ट एंड रिटर्न्स ट्रू इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन आइटम। ये सारे क्वेश्चन अभी आपको आगे आने वाले समय में लूंगा, और जब बच्चों ये कंप्लीट कर लीजिएगा तो फाइनली आप इंड टेस्ट पे जाएंगे। जब आप इंड टेस्ट पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट द टेस्ट। यस, आप क्या करेंगे, आप यस सबमिट इट पे क्लिक कर दीजिएगा, और आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। रिस्पॉन्स जो भी है सर्वर पे, यहां तो ये डेमो है आपका, उस सर्वर पे बच्चों चला जाएगा। तो बताइए बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई यहां तक, किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। जब जैसे ही सबमिट करोगे ये क्या होगा, रिस्पॉन्स देखिए चला गया, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने बच्चों नजर आएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से जिनको नाइलिट में क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम देने हैं, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर वरदान है। नाइलिट का बहुत बहुत शुक्रिया करिए कि आपके लिए इस तरह का चीज लेके आए हैं वो। जिन बच्चों ने पहली बार नाइलिट की प्रैक्टिकल एग्जाम को देना है ओ लेवल, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में हजार प्रश्न होते हैं, हजार तरह के क्वेश्चन होते हैं, कैसा सॉफ्टवेयर होगा, मैं कैसे उसको सॉल्व करूंगा, क्या उसमें मुझे करना होगा, कोड कहां पे करेंगे, और जाने ऐसे कितने क्वेश्चन, कितने मिनट का होगा, वगैरह वगैरह। सबका एकमात्र समाधान, किसी से ना पूछिए, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं देता, आधा गलत आधा सही देते हैं लोग। आप सीधे नाइलिट की साइट पे जाइए और इस टेस्ट को बच्चों प्रयोग कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी समझ में आई होगी। अब मैं इसके बाद सीधे आपके लिए पेपर पे आ जा रहा हूं।
पेपर पे आ गया मैं और देखिए पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है और मैं उसी का सोल्यूशन अब आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या है ये क्वेश्चन? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेज ऑफ डेली लेबर। डेली लेबर के वेजेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है? वेज मतलब भत्ते को। नियम क्या है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं पेपर थोड़ा सा जूम करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बच्चों नजर आ रहा होगा। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, कंडीशन क्या है? चार कंडीशन है वेज कैलकुलेट करने की। पहली, फॉर फर्स्ट फोर आवर, शुरुआत के चार घंटों के लिए, अगर लेबर ने तीन घंटे काम किया मान लीजिए, चार से कम तो ₹30 घंटा। नेक्स्ट चार घंटों के लिए, मतलब चार से लेके कहां तक, चार से पांच छह सात आठ, चार को छोड़कर रेट बढ़ाकर ₹40 पर घंटा। भैया तीसरी कंडीशन क्या है कि आठ घंटे से ऊपर और दस घंटे तक के लिए ₹50 प्रति घंटा। और बच्चों एट द लास्ट दस घंटे से भी अगर ऊपर किसी ने काम किया, इफ वर्क डन मोर देन 10 आवर्स, तो उस केस में बबच्चों क्या है, फॉर रेस्ट ₹60 पर आवर, यानी पर घंटा। कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? इसके सॉल्यूशन को मैंने आपके लिए बना रखा है, अब आपको मैं दिखाने चल रहा हूं उसका सॉल्यूशन। ये देखिए, ये देख लो बच्चों, कैलकुलेट वेज की प्रॉब्लम का यूजर से मांग रखा है, आवर्स मांग रहे हैं कि भैया कितने घंटे यूजर ने काम किया। चार वेरिएबल बनाए, W1, W2, W3, W4, 0। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी लॉजिक है, अगर क्या, अगर कंडीशन क्या है कि अगर आवर्स यानी घंटे चार से छोटा या बराबर है तो W1 में क्या करेंगे, घंटा गुणे 30 कर देंगे। W1 में घंटे गुणे क्या कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? आइए आगे चलता हूं मैं। इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, कहने का मतलब जो आवर्स की संख्या है वो चार से लेकर, बड़ा हो चार से और बच्चों छोटा हो किससे, आठ से, तो क्या होगा आपको यहां देखिएगा, हमने क्या किया, H1 एक वेरिएबल बनाया, आवर्स में से चार घटा देंगे, चार का तो पहले ही कैलकुलेट है, और W2 में क्या करेंगे 120 प्लस चार घंटे का वेज प्लस जो डिफरेंस है वो 40 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से अगर आवर्स एलिफ से चल रहे हैं, 8 से लेकर 10 के बीच हुआ तो H2 में क्या करेंगे, आवर्स में से 8 घटा देंगे, जो घंटे आएंगे 280, 8 घंटे का वेज है प्लस गुणे 50 से करके W3 में रख देंगे, है ना? और बच्चों अगर ये भी ना हुआ तो 10 घटाएंगे आवर्स में से और 380 10 घंटे का लेबर प्लस क्या होगा, 60 से गुणा करके बच्चों रख देंगे। तो अब टोटल वेजेस कैसे मिलेगा, W1 में जो आया, W2 में जो आया, W3 में जो आया, W4 में जो आया, सबको जोड़कर हम प्रिंट करा देंगे। जरा देखिए, रन कराइए इस प्रोग्राम को। मैंने दे दिया 15 घंटे, ₹680। देख लीजिए बच्चों उस 15 घंटे का कैलकुलेशन का निकल के आ रहा है। अगर फिर से देखिए, अगर 3 घंटे का, 5 घंटे का देखिए, ₹160। भाई 3 चौक 12, 4 घंटे का 3 चौक 12 120 और 5वें घंटे का ₹40 के हिसाब से ₹160। तो ये कोड बच्चों बहुत शानदार है। आप लोगों से निवेदन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल जिसको मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए, आप लोग से निवेदन है इसको अगर आप ज्वाइन कर लें, ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। आपके लिए ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो पेपर है,
इसका सोल्यूशन, ये फाइल सब मैं उठा के आपके पास भेज दूंगा, जिसको आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कौन सा चैनल ज्वाइन करना है ये मैंने रेड कलर से आपके लिए लिख दिया। चैनल का नाम बहुत क्लियर है बच्चों, ओ लेवल विथ रत्नाकर सर। किसी तरह का मन में कोई भी शंका हो, प्रश्न हो, आप लोग पूछिए, कमेंट कीजिए। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, अगर आपको ये क्लास पसंद आए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको मार्केट में पढ़ना है और उनको पता नहीं चल रहा है कि ये क्लासेस भी होती हैं, तो उनके लिए ये वरदान से कम नहीं, जो कि पूरी फाइल हम भेजेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन के बाद तुरंत आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले मैं तीसरे क्वेश्चन पर आता हूं। यह प्रश्न बहुत शानदार है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम। आपको दो ही करने होते हैं फिलहाल, मैं दो सॉल्व कराऊंगा लेकिन आपको भेजूंगा पूरे। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनैकी सीक्वेंस। आप में से किसी को पता है बच्चों फिबोनैकी सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनैकी सीक्वेंस होता है जैसे 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33 up to n। यहां पर अगर आप गौर से देखिएगा, पीछे के दो स्टेप अगला स्टेप होता है, पीछे के दो स्टेप अगला स्टेप होता है, यानी पीछे के दो स्टेप को जोड़ें तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलता है वो उन दोनों का योग होता है। एक और दो को जोड़ोगे 3 मिलेगा, 3 और दो को जोड़ोगे 5 मिलेगा, 5 और 8 को जोड़ोगे 13 मिलेगा, 13 और 8 को जोड़ोगे बच्चों 21 मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो यह है तुम्हारे फिबोनैकी सीक्वेंस का क्वेश्चन। और एक प्रश्न आया है कि रिकर्सिव फैक्टोरियल का बच्चों प्रोग्राम बनाइए। रिकर्सिव फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज रिकर्सिव फैक्टोरियल? फैक्टोरियल मतलब अगर यूजर ने 5 इंटर किया तो आंसर 5×4×3×2×1 क्या आना चाहिए? 120 आना चाहिए, और वो भी किसकी मदद से? रिकर्सिव फंक्शन। किसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन? ऐसे फंक्शन जो अपने आप को खुद से कॉल करते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन का नाम देते हैं। द फंक्शन दैट कॉल्स हिमसेल्फ, द फंक्शन दैट कॉल्स हिमसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो चलिए आपके लिए ये प्रश्न लाइव डेवलप करेंगे, एक आध प्रश्न आपके सामने डेवलप करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा बच्चों, मुझे उम्मीद है। तो देखिए पाइथन मेरे सामने ओपन है, पहले मैं फिबोनैकी बनाने जा रहा हूं। फिबोनैकी सीरीज, कमेंट लिख दिया डेफ फन, या चाहो तो तुम फंक्शन का नाम दे दो फिबो। अब देखिएगा a बराबर 0, b बराबर 1, फॉर आई इन रेंज 20 टाइम्स, कहा भी था c बराबर a प्लस बी, ए बराबर बी, बी वैल्यूज का इंटरचेंज हो रहा है बच्चों, प्रिंट किसको प्रिंट कराना है? सी को, मेन कोड, ये देखिए मैं मेन कोड लिख रहा हूं बच्चों, फीबो को कॉल कर दिया। कमेंट जरूर लिखिएगा चेक कीजिए इसको, प्रोग्राम को चेक कीजिए, मैं तुरंत समझाता हूं इसको।
और मन में कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप सबको बताऊंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा कोड है ये। क्या किया है मैंने, पहले मैं आपको समझा देता हूं और फिर पहले रन करा दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखिए ये देखो, देख लीजिए ये फिबोनाची सीक्वेंस आपके सामने बन चुका है, पाइथन ने इसको बनाया है, कोड हमने किया है, आउटपुट पाइथन दे रहा है। 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 21 34 34 21 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
46 तक ये गया है। कहां तक गया बच्चों? 10,946 तक ये वैल्यू गई है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फिबोनाची सीक्वेंस का। किसका एग्जाम्पल है? फिबोनाची सीक्वेंस का। इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस प्रोग्राम को देखिए। सॉरी, क्या किया है मैंने? एक फंक्शन डिक्लेयर किया फिबो नाम का। फंक्शन का नाम क्या है? फिबो। अब ए का मान 0 है, बी का मान 1 है, फॉर आई इन रेंज 20। जी बिल्कुल केएल राहुल जी, बिल्कुल पहचाना आपको। नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप अपनी पहचान बता सकते हैं बेटा। फॉर आई इन रेंज 20 का मतलब कि बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये 20 टाइम्स चलेगा। अब इसके बाद 20 टाइम्स ये तीनों स्टेटमेंट चलेंगे। सी का मान ए प्लस बी, ए बी का जो इनिशियल वैल्यू वो सी पर आएगा और अल्टा पलटी होता जाएगा। ए का मान बी में, बी का मान सी में, और प्रिंट किसको कराते जाएंगे? सी को। और यहां देखो फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। कितना आसान और शानदार तरीका है ये, जिसकी मदद से आप लोग क्या है फिबोनाची सीक्वेंस। और ये क्वेश्चन आपका मान के चलिए 15 नंबर से कम में नहीं आएगा। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 4 लाइन का ये कोड है। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अन्यथा मैं अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं। भैया कौन सा टॉपिक चल रहा है इस समय? बेटा इस समय हम ओ लेवल की प्रैक्टिकल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। पाइथन का ये पेपर है जिसकी 8 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं। 8 से 16 तक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। बहुत सारे बच्चे जिनका ओ लेवल में पाइथन का पेपर देना है वो हमारे साथ जुड़े, मैं चाहता हूं, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि हम उनको बेहतर फायदा दे सकें, पेपर का सॉल्यूशन करा सकें, लाइव डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो आशा करते हैं आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके लिए अगला एग्जाम्पल, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन। बच्चों इसको जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा रिकर्सन होता क्या है। तो 2 मिनट टाइम दीजिए तो पहले मैं बता दूं कि रिकर्सन क्या होता है। व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन कहते किसे हैं? समझिएगा, द फंक्शंस दैट कॉल्स हिमसेल्फ इन फंक्शन बॉडी। बच्चों ऐसे फंक्शन जो अपने आप को फंक्शन की बॉडी में ही कॉल करते हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा रिकर्सन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, रिकर्सन इज द ऑप्शन ऑफ लूप। रिकर्सन का ऑप्शन क्या होता है? लूप होता है। कहने का मींस क्या है?
कि हम रिकर्सन को लूप जैसा प्रयोग कर सकते हैं या लूप के जैसा यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये प्रोग्राम जो रिकर्सिव फैक्टोरियल चल रहा हूं दिखाने, इसमें रिपीटेड वर्क होगा लेकिन बिना लूप के होगा। लूप का कोई रोल बच्चों इसमें नहीं है, लूप का कोई कार्य इसमें नहीं है। आइए आपके सामने एक फंक्शन डेवलप करने चल रहा हूं जो रिकर्सिव है, जो कि क्या करेगा, जिसका काम क्या है, फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना। फैक्टोरियल क्या होता है आप जानते हैं, 5 का फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 120 आएगा। चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 120 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों। तो चलो तैयार हो जाओ सब लोग, आशा करते हैं आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही होगी। आइए दिखाते हैं, चलिए नया फंक्शन आपके लिए बनाने जा रहा हूं। तैयार है ना सारे लोग? बिल्कुल। देखिए रिकर्सिव फैक्टोरियल किस चीज का फंक्शन बनाएंगे? रिकर्सिव फैक्टोरियल का फंक्शन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, डेफ फैक्ट एक वेरिएबल हम आर्गुमेंट फंक्शन का बना दिए n, इफ n बराबर क्या हो जाए 1, रिटर्न हम क्या करेंगे 1, ऐसा ना हुआ else return n into fact n minus 1। मेन कोड देखिए मैं बना रहा हूं, R बराबर फंक्शन का नाम है फैक्ट और मैंने मान लीजिए पास किया 5। ध्यान से देखिएगा, प्रिंट द फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू किस पर आएगा बताइए? R पे आएगा। किस वेरिएबल पर आएगा बच्चों? R पे आएगा। देखिए मैं इसको सेव करता हूं, फैक्ट डॉट पी वाई फंक्शन का नाम दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया। सब लोग ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन मैंने डेवलप किया है ये कौन सा फंक्शन है? ये फैक्टोरियल फंक्शन है, रिकर्सिव है। आपको समझाएं इसके पहले ही मेरा जिम्मेदारी है कि रन करा के आपको दिखा दूं। देख लीजिए आंसर एकदम क्लियर आ रहा है, द फैक्टोरियल वैल्यू इज 120। क्यों 120 ही आया? क्योंकि मैंने जो नंबर सप्लाई किया बच्चों, वो कौन सा नंबर सप्लाई किया? मैंने नंबर जो सप्लाई किया वो दिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल पाइथन क्या देगा? 120 ही तो देगा, और क्या देगा? देखिए ध्यान से इस प्रोग्राम को जरा सा समझिए, ये उन लोगों के लिए जिनका प्रैक्टिकल है बहुत ही लाभप्रद है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप में से जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है उन सबका पाइथन का प्रैक्टिकल है या नहीं है, आप लोग कोई कमेंट बता नहीं रहे हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बच्चों पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, और आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में अवश्य आ रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रोग्राम को, यहां पर देखिए आर बराबर फैक्ट 5, ये क्या हुआ है? ये बच्चों फंक्शन कॉल हुआ है। क्या हुआ है जी? आइडियली है सर, आइडियली पे ही काम हो रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखो बच्चों, फंक्शन में मैंने कॉल किया, फैक्ट फंक्शन कॉल किया, 5 भेजा, यन का मान हो गया 5, यन का मान अभी 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो क्या होगा? एल्स रिटर्न यन यानी 5, और कॉलिंग किसके लिए हो जाएगी? फैक्ट, 5 में से एक गया 4,
फिर ये कहां आएगा? ऊपर आएगा। यन का मान अभी भी वन नहीं है। ये कॉलिंग कब तक होगी? नीलाक्षी श्रीवास्तव, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बहुत स्वागत है आपका। पाइथन का एग्जाम है? अरे वाह, कुछ क्लास में समझ में आ रहा है जो चीजें आपको समझा रहा हूं? अगर आप आज की क्लास देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको, पहले मैं समझा लूं फिर बात करता हूं। बच्चों ये कॉलिंग कब तक चलेगी? ये कॉलिंग तब तक चलेगी जब तक यन कहां नहीं पहुंच जाता, जब तक यन वन के बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही यन वन के बराबर होगा रिजल्ट आना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वन का फैक्टोरियल होता है वन, वन का फैक्टोरियल वन है, फिर दो का आएगा, फिर तीन का आएगा, फिर चार का आएगा। वन की कॉलिंग देगा वन, फिर टू की कॉलिंग देगा टू, थ्री की कॉलिंग देगा सिक्स, फोर की कॉलिंग देगा 24, फाइव की कॉलिंग क्या देगा 120। ये फाइनल आंसर किस वेरिएबल पर? आर पे जाके बच्चों स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल भैया, कोशिश मेरी पूरी है कि आप लोगों को समझाऊं। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि जिन भी बच्चों का प्रैक्टिकल है प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए। मेरा ये निवेदन है आप सबसे, क्योंकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है। और ये क्लास मैं आपको बता दूं सैटरडे तक मैं लूंगा। आज है थर्सडे, वेडनेसडे, सॉरी आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी शनिवार। अभी चार और क्लासेस हैं जी नीलाक्षी जी, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन मैंने बनाया है। मेरी चार और क्लासेस चलेंगी जिसमें मैं पाइथन के अलग अलग पेपर्स का सॉल्यूशन भेजूंगा। और एक चीज और मैं बता दूं, मैं आप सबको फिर बताना चाहूंगा कि अगर आपने ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, ये टेलीग्राम का नाम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी जितना भी चीजें पढ़ाया हूं आपको पहुंचा दूंगा आपके मोबाइल पर उसका सॉल्यूशन। और ये जो पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, पेपर जिसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, नीलाक्षी आईओटी की लाइव क्लासेस चल रही है बेटा, आईओटी की लाइव क्लासेस चलती है, उसको आपको करने की जरूरत है, शायद आपको पता नहीं है। आईओटी की क्लास सीमा मैडम ले रही हैं, इसी चैनल पे ले रही हैं, शाम को शायद 4 से 5 उनका टाइमिंग है। तो मेरा निवेदन है कि आप उसको ज्वाइन कर सकती हैं। आप चैनल पे प्लेलिस्ट होगी, आप वहां जाके चेक कर लीजिए, वीडियो मिल जाएंगे आपको, और आप वहां जाके बच्चों क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चार के चारों पेपर चल रहे हैं, पाइथन भी चल रहा, आईओटी भी चल रहा, आईटी भी चल रहा, वेब भी चल रहा, सब चल रहा है, ठीक है। 4 से 5 का टाइम है बेटा, 4 से 5 के करीब का टाइम है जिसमें ये क्लासेस बच्चों रन हो रही हैं, चल रही है। आप लोग से निवेदन है कि ज्वाइन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, जितना जुड़ेंगे आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से कराएंगे। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये पूरा भरोसा रखिए कि एक एक क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और इसके बाद अब मैं आपको पेपर पे लिए चलता हूं। आपका जो पेपर जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2 मिनट दीजिए, शायद मैंने क्लोज कर दिया था। ये देखिए, ये पेपर था ओ लेवल गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट कोर्स है बच्चों, ये वो पेपर है जिसको मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, भेजने जा रहा हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग इस पेपर को देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बच्चों आइडिया लगेगा कि कैसे मैंने किया है। सॉल्यूशन आपके सामने है, मैं सारा का सारा उठाकर बीसीए विथ रत्नाकर जो चैनल का नाम है उस पर सेंड करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन विथ पेपर बोथ। तो आप लोग तैयार है ना? मुझे उम्मीद है सब लोग तैयार हो जाइए, मैं तुरंत बच्चों आपके सामने सेंड करूंगा।
ओ लेवल विथ ओ लेवल क्या है, ये देखिए आ गया ना, ओ लेवल विथ रत्नाकर सर, इस पर मैं आपको ये भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? ये सारे पेपर्स और उनका सॉल्यूशन, ये देखिए लाइव आपके सामने बच्चों जा रहा है। तो आप सबसे निवेदन है, ये देख लीजिए चला गया सॉल्यूशन भी चला गया और पेपर भी चला गया, ये आपके सामने पूरा लिस्ट है बच्चों, list.py ये PDF फाइल और ये देखिए पाइथन की फाइलें, ये सारी की सारी मैंने ले भेज दी है बच्चों। तो ज्वाइन करिए, जुड़िए हमारे साथ और आशा करते हैं कि कल आप फिर मिलेंगे हमारे साथ आज की क्लास के लिए। ये पेपर मैंने कंप्लीट करा दिया है, सॉल्यूशन PDF आपके पास भेज दिया है, आशा करते हैं कि आपको फायदा मिले। नमस्कार बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।